खेरा साहब ने पार्टी ऐलान कर दी अपना पंजाब एकता एकता वाली, ओदे पे किस तरह दी गई? खेरा साहब जो पहले आपने थे अपनी पार्टी छोड़कर उन्होंने नई पार्टी ऐलान की है पंजाब एकता पार्टी, चलो उनकी मर्जी है जैसे मर्जी पार्टी करें, लेकिन समय आने पर पता लगेगा कि पार्टी की क्या कारगुजारी है। हर एक को पार्टी बनाने का हक है, उसकी मर्जी है, उसने बनाई है। और मैं महसूस करता हूँ कि पंजाब में इस थर्ड फ्रंट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है थर्ड फ्रंट का जो एंटी कांग्रेस वोट है वो बढ़ जाएगी, कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ तक पंजाब का तलक है, सेंट्रल सरकार जब भी पंजाब में किसी को कुछ नहीं दिया, हम तो मोदी साहब के बहुत आभारी है जिन्होंने करतारपुर का लगा खोलने का वैक्सीन दिया है और खुल भी रहा है। सज्जन कुमार जैसे को फांसी की सज़ा हुई है, उमर कैद की सज़ा हुई है, और भी केस चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किए हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि मोदी साहब को 5 साल और मिलने चाहिए। बैंस साहब ने अकाली दल के कैसे लड़ने की बात की है? बैंस साहब अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोनों भाई बहुत लोगों के काम करते हैं। उन्होंने अगर बठिंडा से इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया तो इनका अपना मसला होगा, वो कुछ देखते होंगे मसला। लेकिन मैंने जो पहले आपको बात बोली है कि एंटी कांग्रेस वोट अगर डिवाइड हो गई तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को, पर ये बात अभी सबको समझ लेनी चाहिए। लोगों का कहना है आम बहस को अकाली दल का फिक्स मैच है? नहीं, मैं तो ये बात नहीं मानता, कोई फिक्स मैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अकाली दल आई बार यही बात कर दे, अकाली दल की बठिंडा सीट है, अकाली दल शाह से जीतेगा, बीबी हरसिमरत कौर बादल जो हमारे मंत्री हैं सेंटर में वो शाह से जीतेंगे, अच्छी वोट।